दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश थर्मो एनवायरमेंटल एस्टीमेट से। कैसे हैं आप लोग? ये हम लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट है, हैंडी सैम्पलर। हैंडी सैम्पलर के अंदर हमारे पास तीन मॉडल हैं। ये हमारे नया मॉडल है T191। इसके अंदर ऑप्शन है, ये मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट है। इसमें मल्टी मेजर पैरामीटर कर सकते हैं, मल्टी पैरामीटर। इसके अंदर आप VOC भी कर सकते हैं और PM10 या 2.5 में से कोई भी एक पैरामीटर कर सकते हैं एक टाइम के अंदर। और ये तीन गैसेस कर सकते हैं कोई सी भी इसके अंदर। और ये मल्टीमीटर 10 MPM का इसके अंदर वैक्यूम पंप लगा हुआ है और बैटरी बैकअप है इसका, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है, 10 आवर से ज़्यादा का बैकअप है इसके अंदर। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है और ये हमारा इसका ये चार्जिंग है। जब ये अडाप्टर चाहे इसका जब चार्जिंग करेंगे उसको ऑन कर देना है, प्लग लगाने के बाद में आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट को ऑन ऑफ करने का स्विच है इसके अंदर। एक सिस्टम और दिया हमने, ये सपोज अगर आपको कुछ सिलिका वगैरह या कुछ और पैरामीटर करना है तो उसके लिए है। ये इसका फ्लो कंट्रोलर है, बेसिकली फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर कहेंगे आप इसको। ये फ्लो कंट्रोल करने के लिए है। जितना आप इसे कंट्रोल कर लेंगे उतना आपका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे बेसिकली। और तो पैरामीटर आप लोग सब करते ही रहते हैं, गैसेज वगैरह हो गया और VOC वगैरह तो हो गया। इसमें जो नया एडिशन है ये वाला ऐड करा है हम लोगों ने, जो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसके अंदर इंपैक्टर के अंदर आप तीनों पैरामीटर में से PM10, 2.5 और TSPM में से कोई भी एक पैरामीटर एक टाइम में आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये ऊपर वाला जो कट पॉइंट है ये PM10 करने के लिए है और नीचे वाला जो कट है ये है 2.5 करने के लिए। इसकी जो सैम्पलिंग फ्लो रेट जो है ये 5 MPM सैम्पलिंग होती है इस इंपैक्टर से। और ये हमारा जो है यहाँ पर हमारा फिल्टर रहता है। फिल्टर जो बेसिकली आप 46.2 का जो PTFE फिल्टर है वो PM2.5 के लिए, और GFA करना है 47 का GFA होता है, 47 mm का GFA वो PM10 करने के लिए है। तो आप नॉर्मल सा जो आप लगाते हैं वही कैसे गैस के अंदर ही फिल्टर वाला आप उसको यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आपको PM2.5 करना है तो ये आपको जो दो वेक्टर दिख रहे हैं दोनों लगाने पड़ेंगे आपको। और सपोज आपको PM10 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला इंपैक्टर जो है इसको निकालना है। तो अभी ये निकल के अलग हो गया आपको, तो अब क्या करेंगे आप, ये इंपैक्टर आपको रेडी हो जाएगा PM10 करने के लिए। और सपोज आपको 2.5 भी करना है तो आपको क्या करना है, ये छोटा वाला इंपैक्टर जो निकाला है हमने उसके इसके अंदर आपको क्या करना है, नीचे बॉटम के अंदर इस पोर्शन के ऊपर आपको सिलिकॉन ग्रीस लगानी है, इस पोर्शन के ऊपर सिलिकॉन ग्रीस लगानी है और ये आपको इसमें ऐड कर देना है। और ये पुश फिटिंग है, ये इसका पुश करके आपको ये आपको टाइट कर देना है। ये टाइट हो गया आपका, ये जो आपका फिल्टर कैसे था ये आपने यहां लगा दिया तो टाइट कर दिया इसके अंदर, और ये वाला पोर्शन आपका ये ऊपर आ गया। तो और आपने सो ये आपका इस टाइम PM2.5 के लिए बन गया। 10 बताया मैंने, 10 का करना है तो आपको ये वाला पोर्शन का जो इंपैक्टर लगा हुआ अंदर उसको निकाल के अलग कर देना है। बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है यूज करने के लिए, बैकअप भी काफी अच्छा है इसका, 10 से 12 घंटे का बैकअप है। अगर आप खाली एक रोटामीटर चलाएंगे 5 LPM पे चलाएंगे तो ये आपको अप्रोक्स 24 आवर्स के आसपास बैकअप दे देगा आपको। बट जैसे आपको फ्लो कंट्रोल इससे मैक्सिमम कंट्रोल करना है, आपको इससे कंट्रोल करना है फ्लो को, तो ये आपको बहुत ज्यादा बैकअप बढ़ा देगा आपका। बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है यूज करना है, पर मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट है। थर्मो का हर प्रोडक्ट हम कोशिश करते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करें जो हमारे मल्टी पैरामीटर करने के लिए हो। मुझे लगता है आपको हमारे हैंडी सैम्पलर बहुत पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।